तो आज हम करेंगे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन ये कह रहा है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको इन सारे एक्सप्रेशंस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है. कोफिशिएंट पहले भी अपने डिस्कस किए थे क्या होते हैं. बेसिकली अगर मैं 7y स्क्वायर का एक इस टर्म का एग्जांपल लेते हैं, तो y स्क्वायर का अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए यहां पे, तो वो है 7, यानी वो न्यूमेरिकल नंबर, वो कांस्टेंट जो आपका y स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, वो है 7 और वो उसका कोफिशिएंट होगा. इसी तरह से इस एक्सप्रेशन में अगर मुझसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो वो होगा 1. क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूं, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा तो ये एक्स स्क्वायर ही. तो इसी तरह से कोई भी अगर आपको एक वेरिएबल दे रखा है जिसका कोफिशिएंट आपको नहीं गिवन है, तो उसका मतलब यही है कि उसका कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हम उस वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, अब इसके बाद इसी तरह से मैं अगला अगर एक्सप्रेशन देखूं, तो इस एक्सप्रेशन में मेरे एक्स स्क्वायर की जो हमारे एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट होगा वो होगा -1, क्योंकि मैं -1 मल्टीप्लाई एक्स लिखूं, एक्स स्क्वायर लिखूं, तो ये आ जाएगा मेरा -एक्स स्क्वायर. तो इसी तरह से इसका एक्स जो मेरा कॉफिशियंट होगा यहाँ पे वो 1 होगा माइनस स्क्वायर का, और फर्स्ट वाले में मेरा एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 होगा. नेक्स्ट मुझे पता लग रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट, देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आपका वेरिएबल सॉरी कॉन्स्टेंट लगा है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आपका कॉन्स्टेंट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा कॉन्स्टेंट यहाँ पे आपका पाई भी एक कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इसकी एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज 22/7, और यहाँ पर नीचे जो 2 चिपका हुआ है ये इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो भैया दोनों की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो पाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो अब आते हैं फोर्थ पे जो है √2x-1. अच्छा यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, मैं यहाँ कह सकता हूँ भाई किसी जमाने में जब धरती बनी थी तो यहाँ पर किसी ने लिखा होगा एक्स स्क्वायर, मगर कोफिशिएंट में इसका 0 ले लिया. ठीक है, मगर इसके कोफिशिएंट में 0 ले लिया, तो भाई इस पूरी टर्म की वैल्यू तो 0 हो गई, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गई इसकी वैल्यू. तो इसी तरह से यहाँ पर कभी एक्स स्क्वायर रहा था उसका कोफिशिएंट 0 होगा मगर, और उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर उड़ गया और बचा क्या हमारे पास √2x-1. तो इसलिए यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0. ओके, आपके कॉफिशियंट एक्स स्क्वायर का क्योंकि 0 हो गया. सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन. अब मिलते हैं अगली वीडियो में थर्ड क्वेश्चन के साथ, तब तक कीप क्रैकिंग द कंसेप्ट.